नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप, यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अल्कोहल डिटेक्टर बनाएंगे। उसके लिए हम MQ3 अल्कोहल सेंसर यूज करेंगे, LCD पे मैसेज डिस्प्ले करेंगे, बजर अलार्म भी करेंगे अल्कोहल डिटेक्ट होने के बाद। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे अल्कोहल डिटेक्टर और उसके लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहेगी वो इस तरीके से है। ये आपकी 0 PCB है, ये 16:2 जो है LCD है, ये आपका आर्डिनो नैनो है, ये आपका MQ3 अल्कोहल सेंसर है और उसके बाद ये 5 वोल्ट का अडाप्टर है जिससे हम इसको चेक करेंगे और यूज करेंगे इसका। ये एक मोटर है जिसको हम बंद कर सकते हैं, अगर जो है ड्रिंक का केस आता है तो उस केस में इस मोटर को हम ऑफ करेंगे। कुछ ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस रहेंगे, वो भी मैं आप लोगों को बताता रहूंगा जब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले मैं LCD को यहाँ पे माउंट कर लेता हूँ, सोल्डरिंग कर लेता हूँ। उसके बाद ये आपका आर्डिनो नैनो है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको बनाते हैं और इसके सॉफ्टवेयर को भी समझते हैं कि कैसे हमने सॉफ्टवेयर को लिखना है। दोस्तों, ये अल्कोहल सेंसर की PCB है, ये अल्कोहल सेंसर है फ्रंट साइड पे और बैक साइड पे इसके अंदर ये सर्किट है जिसके अंदर एक IC लगी है, एक प्रीसेट लगा हुआ है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर लगे हैं, 4 पिन इसका, जो 4 पिन का इसका कनेक्टर है। प्रीसेट की साइड से अगर हम इसको देखेंगे तो पहली पिन है दोस्तों वो VCC है, यानी कि 5 वोल्ट कनेक्ट जिसमें हमने करना है। दूसरी जो पिन है दोस्तों वो ग्राउंड है। तीसरी पिन दोस्तों वो आपकी DO यानी कि डिजिटल आउटपुट है। लास्ट वाली जो पिन है जिसके ऊपर AO लिखा हुआ है, A0 यानी कि एनालॉग आउटपुट है। दोस्तों, अगर आपको परसेंटेज में दिखाना होगी कितना परसेंट ड्रिंक किया हुआ है तो आप एनालॉग आउटपुट को यूज करें। अगर आपको सिर्फ ये दिखाना है कि ड्रिंक है या नहीं है तो डिजिटल फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में ही इसको यूज करेंगे, लो या हाई ये यहाँ पे दिखाएगा। और इसके लिए यहाँ पे एक LED भी लगी हुई है, ये पावर की LED है। जैसे ही पावर कनेक्ट करेंगे 5 वोल्ट की LED ग्लो होगी। साथ में जो LED है जिसके ऊपर डाउट LED है तो अल्कोहल जो है सेंस होते ही ये LED आपकी ग्लो हो जाएगी और यहाँ पे 5 वोल्ट डिजिटल फॉर्म में आपको मिलेगी। एनालॉग फॉर्म में आपको उसकी एवरेज वैल्यू यानी कि 1.3, 1.4 ऐसे कुछ मिलेगी, वो डिपेंड होगी कि कितना अल्कोहल का यहाँ पे सेंसिटिविटी है इसकी। तो हम डिजिटल फॉर्म में यूज करेंगे। मैं इसको यहाँ पे चेक करा देता हूँ, 5 वोल्ट मैंने कनेक्ट की है, मैं अल्कोहल के पास लेके जाऊंगा तो ये LED जो है आपकी ग्लो होगी, पहले पावर ऑन की ग्लो होगी। ये इसकी सेंसिटिविटी को वेरी करने के लिए आपका प्रीसेट भी यहाँ पे लगा हुआ है। मैं इसको 5 वोल्ट यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ पहले। दोस्तों, 5 वोल्ट कनेक्ट करते ही ये जो पावर ऑन की LED है ये ग्लो हो गई है। अब मेरे पास यहाँ पे अल्कोहल की यहाँ पे है कैप में, इसके पास मैं लेके जाऊंगा तो ये आपकी दूसरी LED भी यहाँ पे ग्लो हो जाएगी। देखते हैं, ये देखिए, ये दूसरी LED यहाँ पे ग्लो हो गई, अभी ऑफ हो गई है। जैसे अल्कोहल के पास लेके जाऊंगा तो ये दूसरी LED यहाँ पे ग्लो हो जाएगी और D आउटपुट जो है डिजिटल आउटपुट है वो आपकी हाई हो जाएगी। ये देखिए, ये ग्लो हो गई है, थोड़ी देर में ये वापिस बंद हो जाएगी। ये देखिए बंद हो गई है, तो ये आपका सेंस कर रहा है डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे आउटपुट मिलेगी। इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों, ये हमने हार्डवेयर यहाँ पे तैयार कर लिया है, ये आर्डिनो नैनो हमने कनेक्ट कर ली है, ये 78.5 लगा के सप्लाई हमने बना दी है, एक यहाँ पे बजर भी लगा दिया है जो कि डिटेक्ट होने के बाद जो है बीप साउंड करेगा आपका यहाँ पे। उसके बाद ये LCD हमने कनेक्ट कर दी है, उसकी ब्राइटनेस के लिए 10K का ये प्रीसेट लगाया हुआ है, बजर के लिए ये आपका VC547 लगाया हुआ है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये जो है सर्किट हमारा तैयार हो गया दोस्तों। तो मैं अभी सबसे पहले सॉफ्टवेयर पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके सामने, सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा और इसका जो सर्किट है वो व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे उसकी एक इमेज लगा दूंगा वीडियो में, उसको आप समझ सकते हैं। हार्डवेयर मैंने आपको बता दिया है और सर्किट को आप समझ लेना व्हाइट बोर्ड से। अभी डिस्कस करते हैं इसके सॉफ्टवेयर पार्ट को और उसके बाद इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे मैसेज आएगा डिटेक्ट का कि अल्कोहल या नो अल्कोहल करके। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन गलत हो गई थी यहाँ पे हमारी, उसको मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ।
इसकी जो आउटपुट है डिजिटल आउटपुट डी नोट यानी कि डीओ वो जो है नॉर्मल कंडीशन में 5 वोल्ट होती है और जैसे ही ये डिटेक्ट करेगा तो वो 5 वोल्ट जो है लो हो जाती है। तो हमें ये सेंस करना है कि जैसे लो होगी तब हमें आगे जो है एक्शन करना है, एक्टिविटी करनी है, बजर ऑन करना है या मैसेज डिस्प्ले करना है कुछ भी। तो नॉर्मल कंडीशन में जो डिजिटल आउटपुट है वो 5 वोल्ट होती है और जैसे ही ये डिटेक्ट करेगा उस केस में वो लो हो जाती है। वो मैंने मल्टीमीटर से यहाँ पे अभी चेक किया। और इसको कनेक्ट कैसे करना है, ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, 5 वोल्ट कनेक्ट कर दिया है और इसकी जो डी ओ आउटपुट है डिजिटल आउटपुट है उसको मैंने हमारे आर्डिनो के D8 पे कनेक्ट कर दिया है, डिजिटल पिन 8 पे उसको मैंने इनपुट यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जैसे ही डिजिटल पिन 8 पे इनपुट पे हमारे को लो वोल्टेज मिलेगी तो हम उसको जो है आगे मैसेज पे डिस्प्ले कर देंगे कि अल्कोहल डिटेक्ट हुई है। और अगर वहां पे 5 वोल्ट होती है तो हम मैसेज पे डिस्प्ले कर देंगे कि नो अल्कोहल, और डिटेक्ट होते ही मैसेज के साथ में बजर भी हम ऑन कर देंगे। पहले मैं इसके सॉफ्टवेयर वर्जन को देखता हूं, उसके बाद इसको आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है आपका सॉफ्टवेयर का पार्ट जिसके अंदर सबसे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल की जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड किया है। जैसे हमने हेलो वर्ल्ड में किया था सेम वैसे ही एज इट इज रहेगा स्टार्टिंग का पार्ट इसका। उसके बाद हमने जैसे इसकी पिने हैं उनको यहाँ डिफाइन किया है अनेबल के लिए और आपका रजिस्टर सिलेक्ट के लिए, और जो आपकी 4 पिने होती हैं बिट के लिए वो भी हमने यहाँ पे कर दी है डिफाइन। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने चेंजेस स्टार्ट किए हैं। इंटीजर लिया है हमने डिजिटल इनपुट 8 नंबर पे यानी कि D8 पे, रिले के लिए हमने D12 पे और बजर के लिए D13 पे हमने यहाँ पे लिया है। उसके बाद दोस्तों वाइड सेटअप हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे, जिसके अंदर हमने इनको डिफाइन कर दिया है कि आपकी डिजिटल इनपुट जो है उसको हमने इनपुट बना दिया है, रिले की जो पिन थी उसको आउटपुट और बजर को भी हमने आउटपुट यहाँ पे बना दिया है। दोस्तों उसके बाद हमने LCD को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि LCD का क्या साइज है, 16x2। उसके बाद हमने सबसे पहले LCD सेट कर्सर से 00 सेट किया है, पहली लाइन और पहले करेक्टर से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। प्रिंट कर दिया है LCD प्रिंट की कमांड का यूज करके ऑटोमेटिक इंजन। फिर हमने क्या किया कि कर्सर को सेट किया नेक्स्ट लाइन पे और यहाँ पे लिख दिया लॉक डिटेक्शन, यानी कि ऑटोमेटिक इंजन लॉक डिटेक्शन के लिए हमने इसको यूज किया है। वो हमने यहाँ पे मैसेज डाल दिया है, 5 सेकंड का डिले कर दिया है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद दोबारा से LCD को क्लियर कर दिया है, दोबारा कर्सर को सेट किया है और नीचे जो है सेकंड फर्स्ट लाइन पे लिख दिया है बाई अल्कोहल सेंस, यानी कि अल्कोहल सेंसर का यूज करके हमने यहाँ पे ये बनाया है ऑटोमेटिक इंजन लॉक डिटेक्शन। ये सिंपल मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होता है वाइड लूप से, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों कि इंटीजर स्टेट नाम से एक इंटीजर लिया, उसके अंदर हमने डिजिटली रीड कर लिया है डी इन पिन को, जो हमारी D8 पे जिसको हमने डिफाइन किया था डिजिटल इनपुट पिन को उसको रीड कर लिया है, और रीड करके उसकी जो वैल्यू थी वो स्टेट नाम के एक इंटीजर में डाल दी है। फिर हमने एक स्टेटमेंट यहां लगाई है इफ स्टेट इक्वल टू 1, यानी कि उसके अंदर जो वैल्यू आई है वो डिजिटली रीड हमने जो की है वो अगर 1 है यानी कि हाई है तब हम क्या करेंगे, LCD को क्लियर करेंगे, कर्सर को सेट करेंगे और प्रिंट कर देंगे नो अल्कोहल, और साथ में डिजिटली राइट कर देंगे बजर को लो और आपका रिले को लो, यानी कि बजर और रिले दोनों को ऑफ रखेंगे ताकि हमारा इंजन जो है आपका चलता रहे और बजर भी हमारा ऑफ रहेगा। 20 मिलीसेकंड का डिले दिया। उसके बाद एल्स की कमांड हमने यहाँ पे लगा दी है, यानी कि अगर वो 1 ना हो यानी कि 0 हो तो क्या करेगा, LCD को क्लियर करेगा, कर्सर को सेट करेगा और LCD को प्रिंट करेगा अल्कोहल डिटेक्ट, ये मैसेज कन्वे करेगा LCD पे प्रिंट करेगा। उसके बाद डिजिटली राइट करेगा बजर हाई, यानी कि बजर को यहाँ पे ऑन करेगा, और डिजिटली राइट करेगा रिले ऑन, यानी कि ऑन का मतलब यहाँ पे हम रिले को ऑन करने का मतलब हमारा इंजन से कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और बजर आपका यहाँ पे अलार्म करेगा, अल्कोहल डिटेक्ट का यहाँ पे मैसेज कर देगा। और भी कुछ अगर आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी है तो वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं किसी पिन को हाई या लो करना हो। उसके बाद 20 मिलीसेकंड का डिले डाल के हम यहाँ पे लूप में वापिस चले जाते हैं दोबारा से चेक करने के लिए कि वो हमारी पिन हाई है या लो है। हाई रहेगी तो नो अल्कोहल का और लो रहेगी तो अल्कोहल डिटेक्ट का मैसेज करके हम ये एक्टिविटी यहाँ पे कर देंगे। और बड़ा सिंपल ये प्रोग्राम है, आप इसको यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए भी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों हमारे चैनल के अंदर काफी सारी वीडियोस हैं स्टूडेंट्स के लिए भी,
एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस के लिए भी, फ्रेशर्स के लिए भी, आप उन वीडियोस को हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।